आगे मंदिर पे। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम लोग आ चुके हैं और ये वो मंदिर है जहाँ पे कहा जाता है कि मतलब वो गौतम भगवान सोए और सोए ही एक्सपायर हो गए। वहाँ पे हम लोग आए हैं, तो बने रहिए वीडियो में, हम दिखाते हैं, आगे भी चलते हैं और आप लोग देखते रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंट्री से पहले कोई आईडी प्रूफ दिखानी होती है और हम लोग चल रहे हैं। ऐसे आधार होगा तो आधार मतलब समझ लीजिए आईडी प्रूफ का ही काम करता है ना, तो आधार है, अभी हम लोग चल रहे हैं जमा करेंगे। जमा नहीं करना होता, सिर्फ आधार का नंबर वगैरह लिखते हैं, फिर उसके बाद दे देते हैं लोग, ठीक है। तो अभी चल रहे हैं, आधार नंबर वगैरह लिखवाएंगे, उसके बाद फिर घूमने का मौका मिलेगा, ठीक है। बने रहे वीडियो में, दिखाते फिर। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं मंदिर में, जहाँ तक उम्मीद है कि मोबाइल अलाउड नहीं है अंदर, लेकिन कोशिश करते हैं। देख सकते हैं हम लोग द्वार के पास आ गए हैं। रिकॉर्डिंग करो, हम यहाँ से आते हैं, यहाँ से रिकॉर्डिंग करो, वो वीडियो बनाओ खड़ा, आप लोग देख सकते हैं ये बुद्ध भगवान का मूर्ति प्रतिमा, कुछ भी कह लीजिए, यहीं पे सोए और एक्सपायर हो गए। तो दोस्तों अभी आगे भी चलते हैं, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। मेरे भाई मोबाइल बंद करिए। आप लोग देख सकते हैं इनकी प्रतिमा, बोला जाता है कि यहाँ पे जो इनको चादर चढ़ाने के लिए लेके आते हैं वो चादर भी छोटा हो जाता है चाहे वो कितना भी बड़ा हो। वहाँ से हम लोग गेट से अंदर आए और उस साइड से होते होते हुए हम लोग अब इस साइड होते निकलेंगे। अब फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा, तो फ्रेंड्स आज देख लीजिए हम लोग आए हैं, बहुत खुशी की बात है कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग,
ऐसे यहाँ पे घूमने में तो मज़ा ही आता है, मज़ा ही मज़ा है। बहुत बड़ा पार्क है जिस पार्क में ये मंदिर है, ठीक है, कुशनगर का गौतम बुद्ध का मंदिर, ठीक है। ऐसे वीडियो देखने के लिए, हमारे ब्लॉग को देखने के लिए बने रहिए वीडियो में। घंटा है वो भी फेमस है, ऐसे काफ़ी लोग पिक्चर वगैरह मतलब खींचने के लिए आते हैं। बढ़िया है, ये देख सकते हैं आप लोग क्या है ये। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट तो ज़रूर करके बताएं। ये देखिए प्यारा है। चलते अब इस गेट से बाहर। चाइनीज मंदिर भी चलना।